हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ इन अदर वीडियो। आज इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ सेटरिंग, जो स्लैब की सेटरिंग होती है, बीम की सेटरिंग होती है, तो उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल, कैसे उसको लगाया जाता है एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग, एज पर आर्किटेक्चर ड्राइंग। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, पहले इसको मैं बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली इसमें समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं प्लान, देख रहे हैं सेटरिंग का, इसलिए जो सेटरिंग लगती है आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्लान से लगती है। ये क्या आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्लान है, इसमें आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग की बीम एंड उसके जो रेनफोर्समेंट है, उसको उसके रेनफोर्समेंट आपको डिटेल्स मिलेगी, उसके बेस पे आपको सेटरिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको बीम प्रोवाइड मिलेगी उसके बेस पे आपको सेटरिंग का बॉटम्स एंड जो उसकी डेप्थ होती है वो लेना है। तो इसमें जो रेनफोर्समेंट आप गिवन है, इस कॉलम से कॉलम तक आपको फेस देखना, सबसे पहले क्या देखना आपको डायमेंशन एंड फेस, कॉलम का फेस, जब कॉलम का फेस होता है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इस सबसे ये ले चलता हूँ बीच वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये कॉलम का फेस रहेगा, कॉलम का फेस रहता है, तो कॉलम के इधर वाला फेस, इनर वाला फेस से हमें सेटरिंग प्रोवाइड करनी है। जो इसकी जो डेप्थ रहेगी 230 9 इंची, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 9 इंची इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई रहेगी बीम की 9 इंची है, जो बीम की चौड़ाई रहेगी वही आपका बॉटम रहेगा सेटरिंग का। ठीक है, तो सेटरिंग का क्या लेंगे, 9 इंची सेटरिंग का बॉटम लेंगे। उसके बाद देख लेना है ये वाला बॉटम, इस कॉलम के फेस से इस वाले कॉलम फेस तक आपको बॉटम डालना है। इस वाले फेस में प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये वाला फेस आपको दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हमारे पास पैसेज एरिया आएगा, ये पैसेज एरिया होता है, तो ये वाला पैसेज एरिया में ये फेस कॉलम का ये वाला फेस दिखा रखा है, ये आपका आउटर वाला फेस, तो इधर वाले फेस में सेटरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि सेटरिंग प्रोवाइड। उसके बाद देख लेना डायमेंशन, डायमेंशन क्या रखना है आपको, और डायमेंशन आपको सभी गिवन आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर मिलेगी, या फिर स्ट्रक्चर ड्राइंग है एंड आर्किटेक्ट प्लान है, आर्किटेक्ट प्लान के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे भी देख पा रहे हैं, इसके फेस से ये वाला इनर फेस 11 फुट 7.5 इंच। ठीक है, तो शटरिंग का फेस क्या रहेगा, 11 फुट 7.5 इंच। उसके बाद फिर 9 इंची का बॉटम टांग देंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे 6 फुट 3 इंची का इसका इनर फेस, फिर 4 फिट 4.5 इंच इनर फेस, ये क्या रहेगा, साफ्ट सर्विस साफ्ट, जिसके अंदर पाइप को सैनिटरी इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद फिर ये कटआउट के लिए लगा देंगे डाउन पोर्शन के लिए, ये भी शटरिंग क्या रहेगी, 5 फुट 3 इंची ये वाला फेस। ठीक है, और इस तरह से फेस क्या रहेगा, वो आपको सभी डायमेंशन इस तरह से बेसिकली ड्राइंग के अंदर देखना है। तो ये वाला कॉलम का फेस देखना है, सेटिंग इधर से प्रोवाइड करनी है, इस वाले कॉलम का फेस में ही है, फिर इधर कॉलम आपको प्रोवाइड है, ये भी आपका आउटर फेस में है। तो इस तरह से ये आउटर वाले कॉलम है, ये फेस कहाँ रखना है, इसके फेस में रखना है, बाहर वाले फेस में। जस्टिंग का जो 230 9 इंची का बॉटम रहेगा, जैसे दिखाए बीम, ये कॉलम रहेगा, कॉलम के आउटर वाले फेस में 230 का बॉटम है, तो हमें ये फेस देखना, फेस के फेस में लेते चले जाना है बॉटम। ठीक है, एज पर ड्राइंग। और उसके बाद हमें देखना है कि डायमेंशंस क्या रहती है, डायमेंशन हमेशा सेटरिंग के अंदर आपको ध्यान क्या चेक करना है, सेटरिंग के अंदर हमें चेक करना हो तो इसके डायमेंशन, इनर से इनर डायमेंशन चेक करनी होती है, और आउटर से आउटर डायमेंशन, पर प्लस इसका गुनिया, गुनिया सेटरिंग का जो गुनिया चेक करेंगे आपके, इसके कॉर्नर से इस वाले का कॉर्नर, इसका अंदर अंदर कॉर्नर चेक कर लीजिए, इसका अंदर कॉर्नर चेक कर लीजिए, या इसका आउटर, इसका आउटर से इसका आउटर, आपको जो गुनिया चेक करना होता है रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के अंदर दोनों चीज़ के अंदर गुनिया चेक करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल किससे कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें प्रॉपरली या रेक्टेंगुलर में, ये वाली डायमेंशंस, जो डायमेंशन यहाँ पे आएगी वही डायमेंशन आपको यहाँ मिलनी चाहिए, जो डायमेंशन आपको इस कॉर्नर से मिलेगी वही डायमेंशन आपको यहाँ पे करनी, सेटिंग का चेक करने का पर्पज़ यही होता है। उसके बाद प्री सेटिंग का यही चाहिए, जो डायमेंशन आपके आउटर फेस में या फिर इनर फेस में यहाँ मिलेगी वही डायमेंशन आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो फिर जो डायमेंशन 7 फुट 7.5 इंच है, इसके कहाँ से, आउटर फेस से, सॉरी 9 इंच इनर फेस, तो इनर फेस क्या रहेगा, 7 फुट 7.5 इंच इनर फेस मिलेगा। मैंने जो अभी दिखाया था आपको, इस तरह से आपको डायमेंशन चेक कर लेना, इसके कॉलम के फेस से आपका ये वाला जो बॉटम रहेगा ये वाला फेस रहेगा, ये वाला फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कॉलम रहेगा फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम रहेगा सेकंड कॉलम। ठीक है, तो सेकंड कॉलम के फेस हमें चेक करना है सेटरिंग का, कि बॉटम किस वाले फेस में रखना है, तो हमारे कॉलम का जो फेस रहता है ये वाला फेस रहता है। ठीक है, एज पर ड्राइंग, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फेस वाला, तो सेम पर्पज इसी तरह रहेगा, जो फेस हमारे वॉल जा रही है वॉल के ऊपर हम बीम डाल देंगे, प्लस यहाँ पे डाल देंगे। सेटिंग चेक करने के बाद, सेटिंग कैसे चेक करेंगे आप, इसको सेटिंग चेक करने के लिए जो डायमेंशन आपकी आउटर फेस में, जो डायमेंशन यहाँ पे रहेगी डायमेंशन आपकी, सेम डायमेंशन आपकी उस वाले कॉर्नर से ये वाला फेस तक रहेगी। ठीक है, और लाइनिंग
जो बोलते हो ना लाइन कील, काफ़ी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि लाइन कील क्या होती है। लाइन कील आपकी वो होती है जितनी जो आपकी बीम की जो लटक होती है, सपोज़ कि ये आपकी जो बीम है 1 फीट बाई 6, ये 1.5 फीट की है, 6 इंच की इसमें स्लैब रहेगी और 1 फीट का ये लटक रहेगी नीचे। तो लाइन कीला हमारे पास जब सेटिंग लगाते हैं, साइड लगाते हैं, तो वहाँ पे ये कीले होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसके फेस से नीचे वाला फेस एक एक फीट तक लगाते हैं, इसको बोलते हैं लाइन कीला, ठीक है। इसको लाइन कीला बोलते हैं, लाइन कील बोल देते हैं। तो कील इसके जब इसको सेटिंग को लगाते हैं तो इस कील पर ये ठहर जाता है, या पहला बॉटम रहेगा, बॉटम एंड ये दोनों साइड। तो इस तरह से सेटिंग का प्रोवाइड करना, इस तरह से सभी डायमेंशन आपको चेक करते हुए चले जाना कि जो डायमेंशन आप रहती है रेक्टेंगुलर सेम में रहे, जैसे डायमेंशन यहाँ पे रहेगी वो डायमेंशन वहाँ पे रहे, जो डायमेंशन यहाँ पे रहती है वो डायमेंशन इधर रहे, ठीक है, एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग के अकॉर्डिंग। और प्रॉप्स हम लगाते हैं, जो जैक्स लगाते हैं प्रॉप्स लगाने के लिए, और इस तरह से लेवल करते चले जाते हैं, सेटिंग लगाते चले जाते हैं। बस कुछ बेसिक स्टम्स है जो मैंने आपसे शेयर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।